हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। अभी मैंने हुमायूं का ख़त्म किया था इससे पहले की वीडियो में। तो चूंकि हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह सूरी का आना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब शेरशाह सूरी का जो टाइमिंग है वो कब से कब तक है? तो ये 1540 से 45 तक है। कब तक है? 1540 से 45 तक है। ओके। और इसका जो बचपन का नाम था वो था फरीद। क्या नाम था इसका? बचपन का नाम फरीद। अब एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बाबर खां लोहानी ने दिया था इसको। शेर खां की उपाधि बाबर खां लोहानी ने, बाबर खां लोहानी ने दिया था। ओके। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि अकबर का पूर्वगामी किसे कहते हैं? तो अकबर का जो पूर्वगामी है वो शेरशाह सूरी को कहते हैं। वजह क्या है? कि क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो दाग व हुलिया प्रथा थी उसको इसने पुनः स्टार्ट किया था, तो इस वजह से इसको अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का जो श्रेय है वो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अब आपको बता दूं कि रैयत क्या होता है। तो रैयत जो होते हैं वो किसान को रैयत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लगान होती है वो सीधे मतलब प्रशासन से और किसान के मध्य बिचौले का बिचौलिया जो होता है वो नहीं रहता है, सीधे उनका लेन देन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटाई जप्ती मुफ्ती कर किसने लगाया था? तो बटाई जप्ती और मुफ्ती कर जो था ये शेरशाह ने लगाया था। बटाई क्या था? बटाई जो था वो 1/2, 1/2% होता, 1/2 होता था। जप्ती 1/3 था, और मुफ्ती जो था वो 1/4 था। ठीक है, तो बटाई 1/2, जप्ती 1/3, मुफ्ती 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू पैमाइश के लिए राई व्यवस्था किसने शुरू किया था? राई या रे, कहीं कहीं पे इसे रे भी कहते हैं, तो ये जो शुरू किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, और रे के बारे में ये अब रे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रे क्या है। तो रे के बारे में कहीं कहीं ये मिलता है कि ये फसल दर को सूची जो फसल दरों की जो सूची तैयार की जाती थी उसको रे कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी के रुपए का प्रचलन किसने करवाया था? तो चांदी के जो रुपए का प्रचलन करवाया था वो शेरशाह ने करवाया था। और रुपए का ये रुपया जो था वो 180 ग्रेन का था, 180 ग्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे ये शेरशाह सूरी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसका कथन है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण भारत का साम्राज्य खो दिया? तो ये शेरशाह सूरी का है। ये गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, गिरी सुमेल के युद्ध के पश्चात इसने बोला था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण भारत का साम्राज्य खो दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख़ शेर शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख़ शेर शाही की रचना जो की थी वो अब्बास खां शेरवानी ने किया था। किसने किया था? अब्बास खां शेरवानी ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना की थी वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। अब एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि हजरते आला किसकी उपाधि थी? हजरते आला, हजरते आला, तो ये ध्यान रखना ये शेरशाह की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि अगर भाग्य में कि ये किसका कथन है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये शेरशाह सूरी का कथन है। ये इसने कब कहा था? ये इसने चंदेरी युद्ध के तरफ मुगलों की तरफ से लड़ते हुए इसने भाग लिया था, मुगलों की तरफ से चंदेरी के युद्ध में। तभी इसने बोला था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। शेरशाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया था। बाबर के बारे में भी है कि उसने खलीफा को नहीं माना था, और शेरशाह के बारे में भी यही कहा जाता है। फिर इसने युग के खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो अगर मान लो
कि ये क्वेश्चन पूछता है कि युग के खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये शेरशाह और इसका पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की थी। युग के खलीफा की उपाधि शेरशाह और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने धारण की थी। अब इसकी प्रशासन के बारे में कह रहा था, जो इसका जो प्रशासन था उसके बारे में बता दे रही हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो प्रशासन था वो चार प्रमुख विभाग थे। पहला था दीवाने वजारत, तो ऐसे पूछता है ना कि दीवाने वजारत ये कौन सा विभाग था, जो दीवाने वजारत था वो वित्त विभाग था। दीवाने वजारत वित्त विभाग था, वित्त विभाग। ओके, नेक्स्ट है दीवाने आरिज, तो दीवाने आरिज जो था ये आपका था, दीवाने आरिज था सैन्य विभाग। और इसमें इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सैनिकों की भर्ती और जो सेनापति का जो काम होता था वो शेरशाह स्वयं करता था। तो दीवाने आरिज कौन किसका कौन सा विभाग था, ये सैन्य विभाग था, और दीवाने वजारत वित्त विभाग था। नेक्स्ट है दीवाने रसालत, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। दीवाने रसालत तो ये विदेश मंत्रालय था, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो आज की कह सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, फॉरेन मिनिस्ट्री दीवाने रसालत। और ये हमारा जो सैन्य विभाग है वो दीवाने आरिच, फाइनेंस मिनिस्ट्री दीवाने वजारत। फिर है नेक्स्ट है कि दीवाने इंशा, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार, दीवाने इंशा। तो ये जो दीवाने इंशा था ये शाही घोषणाओं व आज्ञा पत्र लिखे जाते थे, ये वो वाला विभाग था। फिर उसके बाद है दो अधिकारी और मंत्री, इसके अलावा भी दो अधिकारी भी थे जो मंत्री पद के समान थे, एक दीवाने काजी और बरीद। बरीद जो थे ये गुप्तचर था, और काजी जो था ये न्याय विभाग का था। एक इतिहासकार हुए डॉक्टर कानून को, तो इनका स्टेटमेंट हमेशा पूछता है, वो एग्जाम में पूछता है कि ये किसका कथन है कि शेरशाह के समय प्रांत नहीं थे अपितु साम्राज्य 47 सरकारों में बंटे थे। तो ये डॉक्टर कानूनगो का कथन है, इन्होंने कहा है कि शेरशाह के समय में प्रांत नहीं थे अपितु जो साम्राज्य था वो 47 सरकारों में बंटा था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरकार क्या, तो सरकार जो था ये जिला था, और कितने में बंटा था, तो ये 47 में बंटा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमिन क्या है, तो मोमिन आपको बता दूं कि जो एकता के गवर्नर को मोमिन या हाकिम या फिर उनको फौजदार भी कहते थे, तो एकता के जो गवर्नर होते थे उनको मोमिन या हाकिम या फौजदार कहते थे। तो अगर मान लो पूछता है कि मोमिन क्या थे, तो ये एकता के गवर्नर थे जिनको मोमिन हाकिम या फौजदार कहते थे। ओके, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में, और इनका जो मुख्य काम था वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, और ये अपने साथ में सैन्य टुकड़ी भी रखते थे। अब एक क्वेश्चन है कि शेरशाह ने भूमि नाप के लिए किसका उपयोग किया था, तो शेरशाह ने भूमि नाप के लिए सिकंदरी गज का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, सिकंदरी गज का। और सिकंदरी गज जो था ये 39 अंगुल, यानी कि 39 इंच, या अंगुल अंगुल वही उंगली से नाप के, तो 39 इंच का था सिकंदरी गज। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये नेट में आ चुका है, जरीब क्या था, तो जरीब जो होता है ये सन की लकड़ी होती थी, सॉरी सन की रस्सी होती थी, रस्सी जो होती थी इससे नापने का काम किया जाता था, तो ये रस्सी होती थी, सन का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरीवाना क्या था, जरीवाना, तो जरीवाना आपको बता दूं ये भू राजस्व का 2.5% देना होता था, ये सर्वेक्षण शुल्क था। जरीवाना, जरीवाना सर्वेक्षण शुल्क था, ये 2.5% देना पड़ता था, 2.5% जरीवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासिलाना कितना परसेंट वसूल किया जाता था, महासिलाना, तो महासिलाना जो था ये आपका 5% वसूल किया जाता था, महासिलाना, महा सिलाना, महासिलाना 5% वसूल किया जाता था, और जरीवाना 2.5%। जरीवाना जो था वो बता दिया कि सर्वेक्षण शुल्क था, और महासिलाना ये कर संग्रह शुल्क था। अब शेरशाह की प्रशासन के बारे में बता दूं, तो शेरशाह के प्रशासन में 23 टकसालें थी, कितनी टकसालें थी, 23 टकसालें थी। और टकसाल क्या होता है, टकसाल आपको वहीं जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, और जो इसकी इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मिश्रित